संगीत सरिता नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं मैहर घराने की सुप्रसिद्ध सितारवादिका विदुषी मंजू मेहता। आपसे बातचीत की है गायक और संगीत विशेषज्ञ अमरेंद्र धनेश्वर ने। तो आइए सुने मेरी संगीत यात्रा की दूसरी कड़ी। नमस्कार। संगीत सरिता की इस कड़ी में आज हम फिर से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं सितारवादिका विदुषी मंजू मेहता से। मंजू जी, हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आप जयपुर में रही और जयपुर में और जयपुर के आसपास बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार थे जिनसे संगीत सीखने का अवसर आपको मिला होगा, तो आप उनके बारे में हमें कुछ बताएगी? मेरे पिताश्री पंडित मनमोहन जी और माता जी चंद्रकला भट्ट, उनसे मैंने जो जयपुर में सीखा, मेरे भाई साहब शशि मोहन भट्ट उनसे सीखा। उसके बाद में मुझे राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी की स्कॉलरशिप मिली। उस अंडर में मुझे पंडित दामोदर लाल जी काबरा, जो कि बहुत अली अकबर खान साहब के बहुत ही पट शिष्य थे, उनसे मुझे तालीम लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि ये स्कॉलरशिप में विद्यार्थी को बाहर ही सीखने जाना पड़ता है, घर रख के सीख नहीं सकते। तो मैंने करीब 8 साल पंडित दामोदर लाल जी काबरा से शिक्षा उनके घर में रह के ली। जब मैं 16 साल की थी तब उनके वहाँ मैं सीखने गई और 8 साल मैंने वहाँ उनके वहीं रह के शिक्षा ली। उन्होंने बहुत मुझे प्रेम से सिखाया और बहुत ही अच्छे वादक थे। तो वैसे तो अली अकबर खान साहब जोधपुर में रह चुके हैं बहुत पुराने जमाने में, और वहाँ के वो कोर्ट म्यूजिशियन थे। जी जी जी। और तभी उनका और काबरा जी का संबंध। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या याद है कि दामोदर दास का काबरा जी ने आपको कौन सा राग जी कुछ ऐसा है कि आपको? वैसे सभी रागों की तालीम उन्होंने मुझे दी, लेकिन मुझे खास उन्होंने जिला काफी सिखाया था जो मुझे याद है। और वैसे तो करीब सभी रागों की उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी थी, तो मैं आपको थोड़ा जिला काफी थोड़ा जरूर जरूर आप मेरे ख्याल से ये राग अली अकबर खान साहब का बनाया हुआ। हाँ जी 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 जी। वाह जी। और असल में ये है कि ये जो राग है उन्होंने खुद ने लिखा है कि कई बार वो बाहर जब जाते थे तो कोई फोक म्यूजिक कहीं गाता होता था, उसमें से वो सर्जन करते थे कई रागों का, जैसे माज खमाज है या इस तरह के कोई धुन उनके, इसलिए उनके जो सर्जन में ये मतलब राग मुझे काफी पसंद है। हमारा लोक संगीत और राग संगीत इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जुड़ा हुआ है। जी जी। Yeah.
वाह वाह, ये हुआ राग जिला काफी जो अली अकबर खान साहब ने बनाया हुआ था। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिला काफी और काफी जो आम राग करके लोग सुनते हैं उसमें क्या फर्क है? जिला काफी जो खास स्वर समूह है वो इस तरह से आता है, ये षड्ज पर ऐसा जो, और दूसरा शुद्ध गंधार का, सड़क पे आ जाता है। जबकि सीधी काफी में आप देखें पचन, वाओ ये हुआ। अब तो जैसे आप मुझे लगता है राग काफी पर आधारित फिल्मी गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। हम भी वही हैं, दिल भी वही है, धड़कन मगर नहीं है। खुश है, जरूर इसका भी कुछ मिला है।
फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, साथ मिले जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। राग काफी पर आधारित ये था संजोग फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी मदन मोहन साहब ने। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आज इसकी दूसरी कड़ी हमने आपको सुनवाई। आमंत्रित कलाकार मैहर घराने की सुप्रसिद्ध सितार वादिका विदुषी मंजू मेहता, आपसे बातचीत की संगीत विशेषज्ञ अमरेंद्र धनेश्वर, तबले पर साथ दिया प्रसाद पाध्ये ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।